हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे एल्विशा के प्यारे से मोमेंट एंड अदर पार्ट हाजिर, जिसमें आपको अक्सर मजा आता है और हमें भी आता है, तो प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यार निछावर कर देना। चलो अब चलते हैं रिएक्शन। एल्विश ब्रो और मनीषा रानी शीला की जवानी। सो 3 2 एंड स्टार्ट। मुझे पता है तुझे मनीषा रानी, तेरे को एल्विश यादव पसंद है। तू मान या ना मान, जो चेहरे पे तेरी स्माइल आ जाती है ना एल्विश के नाम पे, चावल पे देख के एल्विश को जो तू फिसली देखा प्यार यार, तुम मेरे मुंह से ना कुछ गलत सलत निकलवा दोगे। वाह आशिका, मुझे पता तुझे बहाने चाहिए अभिषेक के पास आने के, बट फिर भी पगलट भाई, कभी वो फेक लव स्टोरी रियल तो ना बन गई। मुझे लगता है वो आपसे प्यार करता है। क्या हम ऐसे बैठते हैं और तू और मैं चलते कैसे बैठता? तू मेरे घर में चाहोगे एल्विश को चूज कर। तू आशिका पे ट्राई करेगा? अच्छा देखो रेडी है तू कर। तो आशिका ठीक उधर से भाव दे रही है, स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड। मैंने कहा भाव दिया यार। अभिषेक कैसा लगता तेरे को? ये नहीं लगता वैसा कि सॉरी बोल के गले लगा लेगा जो जबरदस्ती का चल रहा है। तू नहीं लगता ऐसा। शी लाइक्स यू। मनीषा एक बार इजहार तो कर दे। चल आशिका की नजरों में अपने लिए प्यार देख। एल्विश ना देखा कुछ भी। आना अभिषेक के गला जब सब ठीक लगेगा इधर। अभिषेक की गैल रहेगा तू। उसको लगता है तू उसे पसंद करता है क्योंकि वो भी तुझसे प्यार करे। तू उससे प्यार करे। अच्छा। तो बंधन टू साइड होना चाहिए, जैसे ये रियल है तेरा। तो सच्चा उस सच्चा। ओके। ये तो रही है। मावा भी सेफ कोई। हाँ मैं तो अरेंज ही करूँगी शादी से। क्योंकि आज कार टूर का सोंग ना सब कुछ। आज तो मनीषा सोएगी ना साथ में। तू सोएगी? मनीषा। अब तो भी मनीषा का नाम है उसके मुंह पे देख। तुझे अभिषेक के सामने कुछ दिखता है ये बता पाने? तू अलग चल जिंदगी में एकदम। तुझे पसंद है वो मान ले। नहीं है, नहीं है। तो आपने मुझे कहा था हाथ में उंगली करने का, आपने इतना कब नोटिस कर लिया? तो भी घंटा हाथ में उंगली लेके बैठे रहते हो। उंगली उंगली पर नोटिस करता है। तुझे रसगुल्ला सब पसंद है? बिल्कुल नहीं, कसम से नहीं। अरे पता चलता तेरी आंखों में। उसके पीछे मनीषा पड़ी है, मैं नहीं पड़ी भाई, मेरे पर इल्जाम ना लगा। हाँ चेहरा भी तो देखना होगा मेरा। आपका नहीं उसको अभिषेक का चेहरा देखना। हर चीज में अपने आप को क्रेडिट मत दीजिए। भरोसे नहीं बोलता, बीच में तकिया लगाना पड़ेगा। तो लगा देना। नहीं यार, सिर्फ मेरे को फीलिंग नहीं आएगा। अरे तो जब वो सो जाएगा तो हटा देना हूँ। आर थोड़ा जल्दी याद आ रहा है तो गिर जाएंगे। याद आ रहा है आपका? आपका बुला ना सकोगे मुझे भूल कर, तो मैं हर पल तुझे याद आती रहूंगी, कभी ख्वाब बनकर कभी याद बनकर। भूल चलती है यादें, याद आती है ये यादें, इसी दिल जानम के। जब से ये लगाने लगे ना तब से हमको पता चला वो भी 1200 रुपया लिखा हुआ था एमआरपी। हम बोले वाह, इसका मतलब बहुत तगड़ा सामान है। तब से हम लगा मैंने पर एलविश से डिस्कस किया, मैंने नोटिस नहीं किया, इसने बोला 1200 बहुत तगड़ा सामान है। हम बोले 1200 मतलब ये जिया क्या बोलना। मेरे याद आ गई बहुत चीजें। कह रही ये जिया इतना जूझ थी बोलने से पहले इतना हंसरा इतना जूझ पिया अपनी बीमारी। मेरी मम्मी देख रही होगी तो कह रही होगी जिया सारा जूस पी जाती, मेरी लड़की क्यों नहीं पी रही। हाँ सच के जिया की वजह से हम जूस करना स्टार्ट किए, क्योंकि मेरे को लगा सर वो कब पी रही तो हम क्यों छोड़ रहे। वही ऑरेंज वाला जूस इससे निकलवाए, फिर अनार पे भी हम कभी फोकस नहीं। फिर इसको दो तीन बार देखे अनार छिलके खा रही है साला, फिर हम भी खाएगा सबसे जाके। हमको यार ये सीन तो बिग बॉस देखे ना, मैंने
चले जाना फिर जाना हमको तेरे बिना जीना तो सिखा चले जाना फिर जाना जहा क्या हुआ इसको ए इधर आइए कौन सी कैलविश उन लोग के साथ ठीक रपस रपस के बात किया होगा हम लोग के सामने ये पता कैसा है लड़कियों से वहां बात कर रहा है हां हां और यहां पे चल दे पूछ लो उससे यार यहां से निकला क्या जाए ठीक लड़की लोग सब बाहर रपस लेते हैं जहां अपना ग्रुप दिखता तो हम भी लोग अच्छा ग्रुप है ना उसको डिमोटिवेट कर देता कारण साला हम लोग टेंशन में बात कर रहे हैं इनको तो मैं कह रहा था मैंने कि क्या मजेदार लाइफ है मजा आ रहा है तब देखो तुम दिखे तो मैं कहा यार मम्मी की याद आ रही है देखा कि हम लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं हमारा हमारा लेवल के नीचे करना चाहता है अरे फलक दी वहां की चली गई अरे अभी हम भी 2 घंटा वहीं बैठे रहते हैं वो अविनाश को बुला रही है क्या बात कर रही है सही में जाएगा पीछे पीछे जाएगा थोड़ी देर और बात कर ले एक बार मेरी तरफ क्या देख रहा है अपना कुछ ना भाई के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है ना रे काट दूंगा तेरे को मैं तुझे ने उसको बोले ट्रू दैट व्हाई यू सो अनहैप्पी कोई बात है दिल में देख मैं 20 बार पूछ चुका अगर तेरे मन में खुद से है तो यू कैन टेल मी यू कैन शेयर मे बी उसका कुछ हो मेरे पे हल गुड नाइट एक्टर बैठ इधर ए हीरो आया ठंड लग रहा है इसे ओटीटी वॉच इसका वो ही था ठिकाना तो मुझे अपने बाप से ज्यादा भरोसा था आई लव यू था एक टाइम देखो सच के हमको 10 और मस्त कॉम्पिटिटर के साथ निकाल दिया जाना तो हमको लगता है कि अरे हम निकल गए बट इन लोग के रहते हुए हम निकल जाना हमको अफसोस नहीं होगा हम बोलेंगे अरे साला गेम में फेयर नहीं हुआ बात खत्म देख हम सब कुछ समझते हैं और हमको ये भी पता है कि हम जाना डिजर्व नहीं करते फिर भी अगर हम जाते हैं तो मेरे लिए मानना है कि बिग बॉस और जनता ये दोनों से बड़ा हम कुछ नहीं मानते अगर इस मोमेंट पे भी आके अगर उनको लगता है हम खुशी खुशी जाएंगे मैं तेरे को बताता हूँ ऑनेस्टली तू नहीं जा रही हमको पता है हम लोग से मच मोर डिजर्व करते हैं यहाँ पे रहना ज्यादा नहीं सोचने का जस्ट गो विद द फ्लो अल्टीमेटली बिग बॉस और जनता इज द रियल किंग और बाप जो बोलेगा खुशी खुशी उसका डिसीजन सर आंखों पे बात खत्म बुला ना सकोगे मुझे भूल कर टॉप 10 में आ गई थी फिर भी मनीषा रानी और क्या चाहिए भाई टॉप 10 में टॉप 10 में हाँ पर ये कि टॉप 3 में टॉप 10 बोल रहा हूँ टॉप 3 मैं टॉप 10 में पहुंच गया टॉप 10 8 सॉरी टॉप 10 टॉप 5 में आशिका थी अंदर थी नहीं आशिका नहीं थी आशिका पहले चला गई एक तो ये दो बच्चे एक है मनीषा चौथी कौन सी थी जिया थी जिया निकल गई थी भाई नहीं नहीं जिया निकल गई थी चल जिया चल जिया बेबी का थी बेबी का पहुंच गई थी हाँ पहुंच गई थी तो जिया थी चौथे पे देख भाई अभिषेक एल्विश पूजा भट्ट मनीषा रानी जिया ऐसे था मेरे को जो आया था ये मेरे को वैसा याद मेरे को ये चौथा बंदा जो है ना पांचवा मतलब एक तरह से वो जिया लग रही थी पर जो पहला क्लिप था ना आपने देखा है घर के अंदर किस तरह माहौल चलता था भाई ये उसको तीर मारे ये पूरी 2.5 मिनट की क्लिप थी इसमें छोटे 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 इसमें बिग बॉस के बहुत ज्यादा एपिसोड कवर किए गए इधर उधर पर ये थे कि इसमें कौन सा कैमरा होगा जिनको रिकॉर्ड नहीं करेगा कौन सा बंदा होगा जिनको सुनेगा नहीं मनीषा रानी को देख रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस के लिए अगर बिग बॉस ने इनके रहते हुए निकाल दिया ना मेरे को मैं देख उसको पता है वो क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हम देख क्या कर रहे हैं हमको पता है और उसके साथ दो यूट्यूबर बैठते हैं उसको पता है कॉन्टेंट क्रिएट कैसे होता है कॉन्टेंट क्रिएट कैसे होता है उसने फिर भी बोला कि नहीं अगर जो भी डिसीजन होगा वो सराखों पर उसको अंदर बैठे ये इलम नहीं हुआ होगा कि यार मेरी अंदर बाहर आवाम कितनी बन गई है आवाम कितनी बन गई है ये चीज बाकी आप जरूर बताना अगर आपको इनके और मोमेंट चाहिए या मनीषा रानी के स्टोरी एडिट चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाजमी लाइक करना बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गुड बाय